हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा परफेक्ट हुक्का कैसे बनता है, परफेक्ट चिलम कैसे बनता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम पहले एक चिलम लेंगे, कोई भी एक अच्छा चिलम, जैसे मैं इसमें से कुछ चूज कर रहा हूँ, मैं ये लेने वाला हूँ, ठीक है। फिर आपको ऐसे रखना है, मैं कीवी लूँगा। कीवी ध्यान रखें, कीवी थोड़ा हार्ड फ्लेवर होता है, तो इसको मैं 90% लूँगा। ये हमारा हो गया 90%। और इसके साथ मैं स्प्रिंग वाटर लूँगा। स्प्रिंग वाटर ध्यान रखें बहुत हार्ड फ्लेवर होता है, तो स्प्रिंग वाटर मैं 5% लूँगा। ये रहा 5% हमारा। इसको हमको हमने क्या करना है, इसको अच्छे से चॉप करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ आज, अच्छे से बहुत अच्छे से इसको चॉप करें। जितना अच्छे से करेंगे उतना ये फ्लेवर आएगा, ये उतना स्मोक आएगा। अगर अभी सही से इसको ये नहीं करेंगे, चॉप नहीं करेंगे, तो ये नहीं आएगा। देखिए इसमें फिर इसको क्या करेंगे, इसके जितने सारे रस होते हैं इसको निकाल लेंगे। अगर नहीं निकालेंगे वरना ये पूरा फ्लेवर आपका ये जल जाएगा पूरा। ये रस निकाल देता हूँ, ये रस निकल गया ऐसा पूरा। एक चिलम लेंगे हम लोग, ये चिलम में मैं इसको ऐसे फिलअप करूँगा। ध्यान रखें कभी दबा के ना फिलअप करें, ऐसे ऊपर से आपको ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सारा फ्लेवर बच गया, ऐसे करना है। देखिए और ध्यान रखें चिलम के साइड में सारा फ्लेवर होना चाहिए, बीच में जो गैप होता है, बीच में जो ये इसका जो होल होता है, चारों होल सेंटर पे उसको ऐसे करना है, चारों को ही आपको उसको सफ़ा करना है, बीच में गैप होना चाहिए। अगर ध्यान रखें, अगर ये गैप नहीं रहेगा तो आपका ये हुक्का परफेक्ट हुक्का नहीं बनेगा, स्मोक सही से नहीं आएगा। तो आपको ये ऐसे करना है, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कर दिया। ध्यान रखें हम जैसे मैं होल को पूरा क्लीन कर रहा हूँ ताकि फ्लेवर अच्छे से जा सके, अच्छे से स्मेल आए, अच्छा स्मोक आए। अच्छे स्मोक के लिए मैं इसको कर दे रहा हूँ, आपने ऐसे करना है इसको। फिर रखना ऐसा होल करना है आपको। फिर आपको वॉल पेपर लेना है, मैंने ऑलरेडी मेरा पहले से काट के रखा हुआ है। कभी भी आप वॉल पेपर यूज़ करेंगे, दो यूज़ करेंगे, एक यूज़ करेंगे, एक अगर आप ये यूज़ करेंगे तो मार इसे चोक करने लगेगा फ्लेवर का, इसलिए डबल रखेंगे। जल्दी ये चोक नहीं करता है, जल्दी जलता नहीं है, तो इसलिए मैं दो यूज़ करूँगा। जैसे मैं ये किया, अब इसको हमने क्या करना है, इसको 25 से 30 होल करना है, परफेक्ट होल। ध्यान रखें होल ज़्यादा बड़ा ना हो, ऐसे हमने करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी करना है। देखिए होल, देखिए पूरा ये ऐसे करना है आपको। जितना जितना ज़्यादा आपका ये होल होगा उतना अच्छा आपका हुक्का बनेगा। फिर हम लोग क्या करना है, एक वॉल पेपर लेना है सिंपल सा, ऐसे ऐसे कट कर रखना है, इसको ये यहाँ लगाना है और इसको अच्छे से इसको पूरा मोड़ देना है। जैसे इसको मोड़ेंगे हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग हमारे जो कैफे में रहता है, जैसे मैंने ये पूरा कर लिया हुआ है, इसको ऐसे थोड़ा फोल्ड करना है आपको। इसे हम लोग कवर इसलिए करते हैं ताकि कहीं आप गेस्ट अगर उसका पिए तो फ्लेवर कहीं तो ये कोल जो होता है वो कहीं गिरे ना, अपनी सेफ रहे, इसलिए हम लोग करते हैं ऐसे। ये देखिए, या इससे ये अच्छा भी लगता है एक हुक्का। फिर हम कोल जलाएंगे, फिर मैं कोल जला रहा हूँ। ये चिलम है, ये चिलम के अंदर ये देखिए, इसको अच्छे से पहले इसको कर लेना है। स्मेल भी इसका कोयल का जो स्मेल होता है, ध्यान रखें
ध्यान रखें कि ये जो कोयल का स्मेल होता है बहुत गंदा होता है, तो इसे अगर ये अभी डायरेक्ट इसको लगा देंगे हम तो ये स्मेल अच्छा नहीं आएगा, इसमें कोयल का भी स्मेल आएगा, इसलिए पहले इसको अच्छे से पहले इसको हीट कर लेंगे हम लोग। देखिए ये पूरा ये पूरा ये हीट हो चुका है, इसे मैं लगाऊंगा तीन देख। ध्यान रखिए आपका परफेक्ट हुक्का तभी बनेगा जब आपका तीन स्मोक अगर सही से निकले, तीन स्मोक में पता चलता है कि आपका हुक्का कैसा बना है। देखिए मेरा ये स्मोक बता दिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय कुका नाम दो मेरा 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 ये सुकुल का हुक्का है, अपना हुक्का है, मेरे हुक्का का नाम है जय कुका। जरूर आप कभी कैफे आएँ एक्वा में तो आप जरूर मुझे जरा जरूर आप बोलेंगे कि हाँ आपका ये हुक्का अच्छा है।